इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। धार की जिला जेल में बंद कैदी भैरव सिंह की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने आज सुबह जेल के बाहर जमकर हंगामा किया और जेल प्रशासन तथा सुरक्षा कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया। सीधे सीधे मृतक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही जेल में बंद अन्य कैदियों ने भी जेल के भीतर जमकर हंगामा किया और उन्होंने भी जेल के सुरक्षा कर्मियों पर भैरव सिंह की हत्या का आरोप लगाया। सोमवार को जेल में रूटीन चेकिंग हुई थी और उसके बाद भैरव सिंह की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उसे धार के जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। कैदियों का कहना है कि रूटीन चेकिंग के बाद भैरव सिंह के साथ जमकर मारपीट की गई थी और इसी से उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने भी सीधे सीधे जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की न्यायिक जाँच की मांग की है। हमारे गांव का, हमारी समाज का भैरू पिता बगदीराम 2018 से जेल में बंद था और कल जेल से फ़ोन आया और एक आवेदन वहां से हमको मिला कि भैरू की हॉस्पिटल भोज हॉस्पिटल में ले जाने वक्त उसकी डेथ हो गई। तो उस लेटर को हमने पढ़ा, उस लेटर में ये है कि भाई हॉस्पिटल में डेथ नहीं, उसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। हम सुबह जब पहुँचे तो सुबह वहाँ पे अंदर कैदियों द्वारा नारेबाजी लगाई जा रही थी कि जेलर को फांसी दो, भैरू के हत्यारों को फांसी दो। तो हमें ये बिल्कुल निष्पक्ष शंका है कि जेलर और उनके साथ जो दो चार कैदी है उनके माध्यम से उनको भैरू को मारने से, अत्यधिक मारने से उसकी डेथ हो गई है। क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि न्यायिक न्यायालय के द्वारा जाँच हो और स्पष्ट और निष्पक्ष जांच हो। दिनांक 27 फरवरी 2023 को दंडित बंदी भैरू पिता बगदीराम ये केंद्रीय जेल इंदौर से आईटीआई प्रशिक्षण के लिए आया है। कल शाम को जेल बंद होने के दौरान इसका आकस्मिक स्वास्थ्य खराब होने से इसको मूर्छित अवस्था में बैरक वाले और जेलर साहब और कुछ कर्मचारी जेल गेट पर लाए। वैसे ही हमने तत्काल इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपचार हेतु भेजा गया। वहाँ पर डॉक्टर ने चेक करने पर उसे मृत घोषित किया है। इसके बाद आज पूरी सुबह कैदियों के बीच में तो एक थोड़ा आक्रोश देखने को मिला कि हम खाना नहीं लेंगे। कल दोपहर में तलाशी कार्रवाई भी की गई थी, बोले उसमें कुछ कैदियों ने और कुछ स्टाफ ने इसके साथ मारपीट की थी। तो इसके संबंध में जो भी घटना के संबंध में मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार को, राज्य मानवाधिकार को, राज्य शासन को, डीजी सर को, डीजे साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी को पत्र प्रेषित करके इसकी न्यायिक जांच की मांग की गई है कि इस घटना की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया गया है। तो जैसे ही वो जांचकर्ता साहब आएंगे तो उसकी जांच कराएंगे और मृतक का पैनल से उसका पीएम कराने का भी अनुरोध किया गया है। सर, फिलहाल जो कैदी अभी अंदर खाना नहीं लेने की बात कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनको लेके आगे क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, कुछ लोगों ने खाना खा लिया है, चाय भी ले ली है, लेकिन कुछ लोग अब चूंकि घटना, तो मैंने ये कहा कि कार्रवाई मैंने होने ये जस्सा भी करेंगे, न्यायिक जाँच का मुद्दा है, इसकी जाँच बड़े स्तर पर होगी। जैसे जाँच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे इनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी।